झूठा प्राइम मिनिस्टर है, ये झूठा प्राइम मिनिस्टर है। देखिए एक बात हम लोग जो कहते थे कि ये मोदी जी और आरएसएस डिक्टेटर है, एक नया हिटलर पैदा हो रहा है। किसानों के आंदोलन से ये बात तो सामने आई है। किसान क्या मांग रहा है कि एमएसपी प्राइस जो 3-9 कानून बने हैं उसमें आप उसको समावेश कर दीजिए, अंतर्भूत कर दीजिए। आज मोदी खुद ही कह रहे हैं कि हम एमएसपी प्राइस से बंदिश है। फिर हम इनसे पूछते हैं कि 22 दिनों तक आप इसने बात क्यों नहीं की? जब किसानों की बात आप कह रहे हो तो उसको लफ्जों में रखने के बजाय आप कानून में तब्दीली क्यों नहीं करते? एक तो डिक्टेटर है और दूसरा ये कानून में अगर तब्दीली नहीं हुई तो ये झूठा प्राइम मिनिस्टर है, ये स्टैंप पूरा पक्का हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं और हो सकता है कि बुरहानपुर के इलेक्शन से हम लोग ये विकल्प लोगों के सामने निर्माण करें और बुरहानपुर की बस्ती जो है एक इंडस्ट्रियल टाउन जो होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियल टाउन दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट करके दिखाई देता है। तो ये इसकी छवि शहर के नगरवासी जो है उसको बदल सकते हैं अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिला तो। हमारी ये कोशिश है कि एक विकल्प जो है मध्य प्रदेश के सामने मतदारों के सामने खड़ा करने की हम लोग की कोशिश है। वंचित अकाली पूरा का मध्य उसमें से अपनी चुनाव सीटें लड़ाएगी, मतलब बुरहानपुर की लगभग सभी सीटें लड़ाएगी। प्रदेश में भी ऐसा रहा मौका हम लोग का जो चल रहा है वो देश भर चल रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी है वहाँ एक विकल्प हम लोग खड़ा करने की वहाँ पर बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2024 तक हम लोग जो है वो सक्सेस हो जाएंगे।